नमस्कार, कल बने करोड़पति में आपका स्वागत है और आज बने भिखारी में आपका स्वागत है और कल भी बने, परसों भी बने और हर रोज बने भिखारी, क्योंकि आप करोड़पति तो बन नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे बस की बात तो है नहीं। तो कल बने करोड़पति में आपका स्वागत है। तो नमस्कार भेंचो देवी और सज्जनों, सॉरी नमस्कार देवी और सज्जनों। तो कल बने करोड़पति में आपका स्वागत है और हमारे साथ है फुल्लू रेपर जो मशहूर गायक है, जिन्होंने इंडियन आयल का खिताब जीता है, वो आ रहे हैं यहाँ पर जवाब देने। और अगर आप भी आना चाहते हैं यहाँ पर भिखारी बनने और जवाब देने और करोड़पति बनने, तो हमारी जीमेल पर संपर्क करें @fullu.com पर। तो चलिए कल बनेगा करोड़पति के मंच पर फुल्लू रेपर का स्वागत करते हैं। तो आइए फुल्लू रेपर जी। तो नमस्ते बहन के लोड़ो बहनों भाइयों। तो फुल्लू रेपर जी, इस कल बनेगा करोड़पति के मंच पर आप करोड़ों से लेके रोड़पति तक बन सकते हैं। तो इसमें आप एक डाटा केबल से चड्डी बनियान तक जीत सकते हैं, जिसमें आपको कंप्यूटर पर एक सवाल पूछा जाएगा, जिसमें आपको चार ऑप्शन होंगे, उसमें से आपको सही जवाब देना है और आप जीत सकते हैं करोड़ों के इनाम और रोड़पति तक बन सकते हैं, जिसमें आप एक डाटा केबल से लेके तो एक साइकिल और एक ट्रैक्टर तक जीत सकते हैं। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो फुल्लू रेपर जी, तो चलिए हम अपने सवाल की ओर चलते हैं। ये आपको एक सवाल पूछा जाएगा, जिसमें आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें से आपको सही जवाब देना है और आप सही जवाब देकर जीत सकते हैं करोड़ों के इनाम। तो फुल्लू जी, हमारा पहला क्वेश्चन है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। सर ये तो कंप्यूटर है ना, ये तो मोबाइल है। अरे इस बार काम चला लो, अगली बार तुम्हारे लिए कंप्यूटर लेके आएंगे क्योंकि इस बार बजट कम है। तो हाँ ठीक है। आपका पहला क्वेश्चन है कि आपके स्कूल में जो इंग्लिश वाली मैडम थी वो कौन से वाले टीचर से फिट थी? नंबर एक ऑप्शन है हिंदी वाले टीचर से, नंबर दो ऑप्शन है मैथ वाले टीचर से, नंबर तीन ऑप्शन है हिंदी वाले सर से और नंबर चार सभी से सेट थी। सर इसमें ये वाला हो सकता है, चौथा नंबर का, सभी से सेट। सोच लीजिए फुल्लू जी, आप इसमें लाइफलाइन भी ले सकते हैं क्योंकि एक चड्डी और एक बनियान का सवाल है। इसमें लाइफलाइन क्या लेना, वो तो साली छिना। आप जीत चुके हैं एक क्वालिटी का जांगिया, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, साली छिनाल थी वो छिनाल, तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दूसरा क्वेश्चन है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, ये एक मुहावरा है। तो क्वेश्चन ये है कि नाच ना जाने खालिस्तान टेढ़ा, जिसमें पहला ऑप्शन है कि उसमें कुत्ते की गांड टेढ़ी है, और नंबर दो कि इंसान की गांड टेढ़ी है, कि नंबर तीन आंगन टेढ़ा है, और नंबर चार कि साइकिल का पहिया टेढ़ा है। तो सर इसमें किसी की गांड टेढ़ी नहीं है, आपकी गांड टेढ़ी है, इसलिए बुलाया था बेइज्जती करने। साले अश्लीली हो रही है, साले अश्लीली हो रही है, पहले क्वेश्चन का जवाब तो दे ले। सर जा हूं मैं। एक डाटा केबल के लिए सवाल है, दे। अरे नहीं, मेरी चड्डी बना दो फिर। चड्डी बना दो। तो सर इसमें पहला आंसर सही है, कुत्ते की गांडी टेढ़ी है। एकदम सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने इस क्वेश्चन में, कुत्ते की गांडी टेढ़ी है और आप जीत चुके हैं डाटा केबल। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, और हमारा अगला क्वेश्चन रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। क्वेश्चन है कि इंडियन आइडल 2023 का खिताब किसने जीता था? नंबर एक है नारायण रेपर, नंबर दो है राजा रेपर, और नंबर तीन है मनीष रेपर, या इनमें से कोई नहीं। के सर सवाल है वाल को घुस दो अपनी गांड में, मेरा नाम कहां गया, मैंने ही तो जीता था खिताब, कुल्लू रेपर नाम तो सुना ही होगा। के सबके सामने पिटेगा, अच्छा लगेगा, फिर अश्लीलता पे आ गया तू, इनाम में नाम तो लेके जा। अरे इनाम नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूँ, इनाम को घुस लो तुम्हारी गांड में। साले आप आमद देखिए, यहाँ पे अश्लीलता दिखा रही है, वो चड्डी भी क्वालिटी की नहीं पहनूंगा और डाटा केबल भी मेरी हो गई है।